नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस आउटस्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो हिंदी की बुक है क्षितिज, उसका जो गद्य खंड है उसके एक नंबर पार्ट के बारे में, जिसका क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनके द्वारा एक पाठ लिखा हुआ है जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व सौपन। इसी एक अद्भुत अपूर्व सौपन के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यानी इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या हमें नोटिस करना चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो पाठ है वो। तो आपको जो पीछे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पाठ का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1850 ईस्वी में, और मृत्यु होती है 1885 ईस्वी में। ये बात आपको दिख रही होगी जो पीछे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, इनका जन्म तो कब होता है, इनका जन्म होता है 1850 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है 1885 ईस्वी के अंदर। ये बात जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका जन्म कब होता है, तो अगर ये बात पूछ ली जाए तो आपको बताना है कि इनका जन्म 1850 ईस्वी के अंदर होता है और इनकी मृत्यु होती है 1885 के अंदर। ये बात आपको याद जरूर रखनी है, यानी इस पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें आएगी वो मैं आपको नोटिस करवाते जाऊंगा, उन बातों के ऊपर आपको खास रूप से ध्यान देना है। एग्जाम में आने लायक ये बातें होगी तो आपको खास रूप से, जो मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर खास रूप से आपको ध्यान रहना है, और आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ, क्या है आगे देख लेते हैं हमें। तो ये बात हमने पढ़ ली, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले हम जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जो हरिश्चंद्र जी का जीवन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, वो क्या है, क्या क्या बातें हैं इनके जीवन परिचय में, चलिए जान लेते हैं पहले जीवन परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म काशी के अंदर एक धनी परिवार था उसके अंदर हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म काशी के अंदर हुआ था, ये याद रखने लायक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। तो जब हरिश्चंद्र जी छोटे थे तो तभी उनके क्या थे, पिताजी गुजर गए, और जो बाकी के उनके पिताजी भी एक अच्छे कवि थे हिंदी साहित्य के, तो उनकी जो सारी संपत्ति थी उस संपत्ति का अधिकारी कौन हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। इनकी एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, उस सारी संपत्ति का क्या हो गया, अधिकारी हो गया हरिश्चंद्र। तो चलिए आगे चलते हैं, उन्होंने अपने संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवाओं के कार्यों में लगा दी, यानी इनकी जो सारी संपत्ति थी इन्होंने कहाँ लगा दी, लोक सेवा और साहित्य सेवाओं के कार्यों में इन्होंने क्या कर दी, अपनी जो सारी संपत्ति लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है, और इनके द्वारा एक स्कूल भी खोला गया था, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक स्कूल खोला गया था जिसका क्या नाम था, हरिश्चंद्र कॉलेज, वो बनारस के अंदर हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से अभी भी चल रहा है, यानी अभी वो जो स्कूल है स्टार्ट है उसके अंदर अभी भी पढ़ाई करवाई जा रही है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हरिश्चंद्र जी के द्वारा कौन सा स्कूल खोला गया, अब उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हरिश्चंद्र कॉलेज। इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, आपको ये नोट करनी है, जरूर याद रखनी है। वे जन्म से ही कुशाग्रवर्धी और प्रतिभाशाली थे, कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दिया, यानी जब ये 16 वर्ष की आयु थी इनकी तो इन्होंने क्या कर दिया, ग्रंथ रचना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, इन्होंने ग्रंथ की रचना स्टार्ट कर दी। चलिए आगे पढ़ते हैं, लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये केवल 35 वर्ष के थी, इतनी छोटी उम्र में क्या हो गया, इनका देहावसान हो गया, और इतनी छोटी उम्र में भी इन्होंने क्या कर लिया, अपना नाम कमा लिया, लोगों के लिए अपना नाम छोड़ गए। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आज इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो कार्य थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत
अच्छे कवि थे, इसीलिए तो आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो 35 एक छोटी सी उम्र होती है, उनका मृत्यु हो गई लेकिन इसी छोटी उम्र में ये अपना नाम छोड़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। जो भारतेंदु है इनको जो वर्तमान है हिंदी गद्य का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। हुए सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही। तो ये बातें तो क्या हम बात कर रहे हैं कि इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो ये इनकी बातें हो गई कि ये 16 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दिया। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी एक छोटी सी उम्र के अंदर एक ग्रंथ रचना स्टार्ट कर दिया, आप भी सोच सकते हैं। और 35 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों का ही बहुतायत है। लोकोक्तियां और मुहावरों के लिए प्रयोग के से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया था। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए। इनकी उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है कि इनको भारतेंदु क्यों कहा जाता है। आपको ये नाम में दिख रहा है भारतेंदु, तो इनको भारतेंदु क्यों कहा जाता है, तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। क्यों, इनकी जो लोकोक्तियाँ, जो भी लेख थे, जो भी ग्रंथ थे, इन ग्रंथों को पढ़कर लोगों ने क्या कि अपने आप को अच्छा लगा, उनको ये ग्रंथ पढ़कर अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इनकी उपाधि देती, क्या उपाधि दी, भारतेंदु। तो ये जो भारतेंदु की उपाधि है उसमें भारत के भारतवासियों के द्वारा दी जाती है, सुशोभित किया जाता है इनको, लोक सेवा और इनके जो ग्रंथ, ये सारे चीजों को देखते हुए इन्हें भारतेंदु की क्या कर देती है, सुशोभित यानी उपाधि दे दी जाती है। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। इन्होंने क्या किया, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का क्या किया, संपादन किया। इन्होंने ये जो दो पुस्तकें ये निकाली थी किन्होंने, हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का क्या किया, संपादन किया, निकाली। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे थे। कितने, 175 ग्रंथ लिखे थे किन्होंने, भारतेंदु जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी फ्रेंड्स कि भारतेंदु के द्वारा कुल कितने ग्रंथ लिखे गए थे, तो इनके द्वारा केवल कुल जो ग्रंथ थे वो 175 ग्रंथ लिखे गए थे। हम किन की बात कर रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है, लेकिन इनमें एक बात है कि जो पहले संस्कृत के ग्रंथ थे कि बहुत से जो 175 में से ग्रंथ है उनमें से बहुत ग्रंथ क्या है, केवल उनके अनुवाद या हिंदी अनुवाद है, लेकिन समय तो लगता है, अनुवाद करने भी लगता है, वापस उसे सारी चीज को लिखने में भी समय लगता है। यानी इनके द्वारा कुल 175 ग्रंथ लिखे गए। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए थे वो बहुत ही आदरणीय नाटक है। कौन कौन से, उनमें वेदी की हिंसा, हिंसा ने बहुती, उनमें से कौन कौन से, वेदी की हिंसा एक ये होगा, हिंसा ने बहुती, कर्पूर मंजरी और सत्य हरिश्चंद्र, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, ये प्रसिद्ध, यानी ये सब इनके द्वारा क्या लिखे जाते हैं, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं। किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यता शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायत होता है रहता है, यही इस पाठ का वर्णनीय विषय है। यानी इस पाठ के अंदर हमें यह बताया गया है कि संसार में जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वो अपने नाम को ऊपर करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, क्या क्या प्रयास करता है, वो अपने नाम को अमर करने के लिए, यानी
सभी लोगों की जुबान पर छोड़ने के लिए, अपने नाम को ऊपर लाने के लिए एक व्यक्ति, संसार का व्यक्ति क्या क्या प्रयत्न करता है, उन प्रयत्नों को इस पाठ के अंदर दर्शाया गया है। इसी बात के ऊपर अब यह पाठ चलेगा। तो यह हमारा पाठ परिचय हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहां पर और पाठ परिचय पढ़ रहे, समाज धर्मांधता स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया। ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो अब जो ये पाठ है वो शुरू हो रहा है एक अद्भुत अपूर्व सौपन। क्या हो रहा है? एक अद्भुत अपूर्व सौपन। अब ये जो पाठ है ये स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ को। आज रात्रि को प्रियक, सॉरी यहां पर थोड़ा पेन है, ये पहले मैं मिटा देता हूं। आज रात्रि को प्रियक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कवि कह रहा है कि आज रात जब मैं पर्यक पर गया था तो मेरी वहां पर जाते ही क्या लग गई थी? आंख लग गई थी। सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, जो ये शरीर है इसका कुछ ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने के लिए कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि इस चप्पल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है, ऐसा कहा भी है। तो ये जो कवि बात कह रहा है कि मैं अगर मेरे पास कोई ऐसी युक्ति या ऐसी कोई शक्ति आ जाए जिससे मैं मेरा नाम अमर कर सकूं, ये जो चप्पल जैसी अपना जिंदगी है, जीवन है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कहाँ पर उत्तर दे दे, ये बात कवि इस पाठ के अंदर कह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि ये बात ग्रंथों में भी कही गई है, तो वो क्या बात है हम पढ़ लेते हैं। श्वास श्वास पर हरि बजो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास को आवन होए न हो। यानी इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि श्वास श्वास पर यानी हर एक श्वास पर हरि का नाम जपो। कोई भी जो श्वास है वो व्यर्थ मत जाने दो, एक भी जो श्वास है वो व्यर्थ मत जाने दो, खाली ना जाने दो। क्या पता अगली सांस आए या नहीं आए। ये इस जो आपको ये भाग दिख रहा है, ये जो पहेलियां और जो पंक्तियां दिख रही है, इस पंक्ति के अंदर ये बात कही गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा, काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व नहे रहे, और सब तो एक तत्पत तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम यह विचार किया है कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। तो ये जो बात है ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है कि मैं जब रात में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जल्द ये जो संसार है ये नष्ट होने वाला है, संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। मैं अपना नाम अमर करने के लिए क्या कर देता हूँ, एक देवालय बना देता हूँ, मंदिर बना देता हूँ, और मंदिर में वहीं पर भी शिक्षा देनी शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये सोचता है कवि, और यह सोचने के बाद उसके दिमाग में एक और बात आती है कि यार ये तो स्पष्ट गलत है, अगर ये कर दिया तो जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही है भारत के अंदर, तो उस शिक्षा को प्राप्त करते हुए देवालय के अंदर आकर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, ये विचार तो मेरा गलत है, ये बात कवि कह रहा है। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी, बाद में पुस्तक रचने की कवि को सुझती है, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट किरकिट काट कर आदि से अधिक निगल जाएंगे। यानी कवि ये बात सोचता है कि चलो ये तो देवालय वाली बात है, ये तो कोनी बढ़िया कोनी, इसे हम छोड़ देते हैं। बाद में वो सोचता है कि मैं एक अच्छी सी पुस्तक रच देता हूँ जिससे सारी दुनिया मुझे अमर रखे, मेरे नाम को अमर रखे, सारे लोगों की जुबान में रहूँ, एक अच्छी से अच्छी पुस्तक रच देता हूँ। तो बाद में कवि सोचता है कि यार पुस्तक तो रच दूंगा, लेकिन बनाऊंगा उससे पहले जो कीट क्रिकेट है वो आदि से ज़्यादा खा जाएंगे। ये भी बात इनके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठती है। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं।
यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडिली नींद को दो रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभु की सीन समाधि लगा गया। यानी ये तो विचार आ रहे थे कवि की कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नींद को तो बाहर भेज दिया और दो दिन के लिए इन्होंने अच्छे से आंख भी मीच कर आंख बंद करके दो दिनों के लिए क्या कर लिया, समाधि लगा ली, यानी मौन कर लिया दो दिनों का। यहाँ तक कि 61 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। जब ये स्वप्न ये समाधि लगा रहे थे, तो बाद में ये समाधि से बाहर निकलने के बाद इन्होंने क्या किया, एक पाठशाला बनाने का आखिर में क्या कर लिया, निर्णय कर लिया कि मैं एक पाठशाला बनाने वाला हूँ, ये इनके दिमाग में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुहरें निकली। लेकिन जब इनके पास जो पैसों की थैली थी उसके अंदर इन्होंने हाथ दिया तो क्या निकला, कुछ नहीं निकला, केवल 11 गाड़ी की क्या निकलती है, मुहरें निकलती है। तो आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। निदान अपने इष्ट मित्रों को भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बन कर ठीक हुआ। इससे व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से भी मैंने सुना था कि एक का अंक तो 387 अकेले पानी में पड़ गए थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरा 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, तो पहले इतना मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कवि कह रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा। लेकिन ये बात तो चलिए छोड़िए, मित्रों से पैसे बनकर भगवान की दया से क्या होता है, मेरी पाठशाला बन जाती है। लेकिन जो पैसे थे वो एक यानी जो पाठशाला बनी 10-15 दिन में क्या हो गए, सारे चल गए। और उन पैसों को कमाने में मुझे 25 वर्ष लगे, यानी 25 वर्ष की मेरी कमाई 10 से 15 दिनों में क्या हो गई, चली गई। ये बात कहता है कवि। लेकिन चलो जैसा भी हो, हमारी पाठशाला तो बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। ये बात कहता है कवि। उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए, यानी हिमालयों की चोटियों से इन्होंने क्या किया, अनेक पंडित बुलाए, ज्ञानी पंडित इनके द्वारा बुलाए जाते हैं, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए हुए है, परंतु मुख्य केवल ये है, पंडित मुग्ध मणि शास्त्री तरक वाचस्पति प्रथम अध्यापक पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र प्राणंत प्रसाद व्याकरण अध्यापक वेदक शास्त्र लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिषी शास्त्र शीलावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्म विद्या। यानी ये पंडित बुलाए जाते हैं इनके द्वारा हिमालय से। ये जो पंडित है ये इनके अलग अलग विषय ये बुलाए जाते हैं कहाँ से, हिमालय से। ये जो पंडित है ये बुलाए जाते हैं किसके द्वारा, जो कवि है उसके द्वारा ये पंडित बुलाए जाते हैं। इन पूर्वोत्तर पंडितों के आ जाने पर अधर रात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। यानी पंडित आ गए, लेकिन जब पाठशाला खोलने गए थे तो आधी रात हो गई थी। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता और जिसने विद्याशील बल को सिवाय मान मूर्खता परद्रोह परनिंदा और आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्र की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव में से उत्तम रहे। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपया से इतना द्रव्य हाथ आया।
कि पाठशाला का सब खर्च चला गया, 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। यानी इनके जो पाठशाला चल रही थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सारे पैसे ये कमा रहे थे, इतने पैसे कमा लिए थे कि इनके 5-10 पीढ़ी भी अच्छे से बैठकर क्या कर सकती थी, खा सकती थी। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धर बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म को कर लेता? या तो हर घर की केवल मुंछे ही मुंछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपया से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा का जिसने हमारे यश को ढहे ढहे अंकुर फिर हरे किए। हे सज्जन शुभ चिंतक को, संसार में पाठशालाएं अनेक है अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपया से जो सकल पूर्ण काम देनु यह पाठ चला है वैसी अचरज नहीं है। आपने इस जन्म में न देखी होगी सुनी होगी, होनहार बालक होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला बनाना कठिन था। देखिए यह हम लोगों का भाग्य उदय है कि हे ये महामुनि मुग्ध मणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। यानी कवि कह रहा है कि ये जो महामुनि मुक्त मुनि हमें बिना प्रयास के हाथ में लग गए, जो हमारी पाठशाला में ज्ञान दे रहे हैं, ये तो जो इंद्र खोज रहे थे अपनी पाठशाला के लिए जंगलों में, तभी भी इनको ऐसा इंद्र को भी ऐसा जो है गुरु नहीं मिला था, इनको एक ऐसा आचार्य मिल जाता है, ये केवल और केवल हमारे भाग्य की महिमा है। पंडित राज मृगशील सवन के मुख में शशि धोके बद्रिकाश्रम के कंदरा से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या प्रशंसा करने में सरस्वती भी लज्जाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिसर में से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पाठ है ये है भारतेतु हरिश्चंद्र गद्यभाग का 1 नंबर पाठ है, और किताब की दृष्टि से हम बात करें तो ये 11 नंबर पाठ है इस किताब का। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही पाठ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए जो पार्ट नंबर 2 है वो आपको जल्द से जल्द इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर मैंने छोड़ दिया है तो आप इस YouTube चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, 2 नंबर पार्ट है। आप अगर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको क्लास 10 हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके ऊपर ओके करेंगे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतनी बात करने वाले हैं, आगे जो इतना पाठ रह गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाठ अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम ये जो कठिन शब्दार्थ है ये भी जानेंगे, इनके अर्थ और जो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर सारे ये भी हम अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। बाद में आगे हम भारत जो 2 नंबर पाठ है प्रेमचंद उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।